नमस्कार, माटोलिया एसोसिएट्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने विकास के नेक्स्ट स्टेज की घोषणा की, जो कि 8 सेक्टर में ढांचागत सुधार आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये चौथे चरण की घोषणाएं हैं, जो कि इस प्रकार है। कोयला क्षेत्र में वाणिज्य खनन की शुरुआत, कोयला सेक्टर में विविध अवसर प्रदान किए जाएंगे, कोयला क्षेत्र में उदार व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें कोयला क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को महत्व दिया जाएगा, खनिज क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाना और नीतिगत सुधार करना शामिल है, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है, रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार किए जाएंगे। नागरिक उड्डयन के लिए हवाई क्षेत्र का उत्तम प्रबंधन किया जाएगा, पीपीपी के जरिए कई और विश्व स्तरीय हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। भारत विमान रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार MRO के लिए एक वैश्विक केंद्र बनेगा। बिजली क्षेत्र में टैरिफ संबंधी नीतिगत सुधार किए जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत वितरण का निजीकरण किया जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में संशोधित व्यवहारात अंतर वित्त पोषण योजना के जरिए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतरिक्ष में जुड़ी गतिविधियों में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। परमाणु ऊर्जा सेक्टर में सुधार किया जाएगा। इस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को भारत की GDP के 10% के बराबर 20 लाख करोड़ रुपए के एक विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की थी। ये आज की घोषणा उसके चौथे चरण की घोषणा है, जो हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बताया है। हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।